हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों की लाई हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी, आलू की सब्जी और पूरी की रेसिपी। वैसे सभी के घर में आलू की सब्जी और पूरी बनती है, बस बनाने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। तो आज मेरे साथ बनाइए आलू की सूखी सब्जी और पूरी की रेसिपी, मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, हाफ कटोरी बेसन और हाफ कटोरी सूजी। तो इन तीनों चीजों को हम परात या बड़े बाउल में, जिसमें भी आप आटा गूंथते हो उसमें ले सकते हैं। अब इसमें मैंने आटा डाल दिया है, ये हाफ कटोरी बेसन डाला है और हाफ कटोरी सूजी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से मसाले, एक चुटकी हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच मिर्च और हाफ चम्मच नमक, नमक आपके स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा जीरा करीबन चौथाई चम्मच, और एक चुटकी हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ली है इतनी, और इसको हाथों से इस तरह से क्रश कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और सभी मसालों को हम हाथों की मदद से मिक्स करके इसका आटा लगा लेंगे, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह का टाइट टाइट हमें आटा इसका लगा के तैयार करना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका टाइट सा डो लगा लेंगे। ये पूरी खाने में कुछ डिफरेंट है, आपको भी लगा होगा, आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। आप अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम मेरी चैनल आईडी है। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मुझसे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने एकदम टाइट सा इसका डो लगाया है। पूरी का आटा सभी को पता ही होगा, या आटा एकदम बिल्कुल टाइट टाइट लगाना चाहिए ताकि हमारी पूरियाँ बिल्कुल अच्छी बने, फुली फुली सी। और ये कुछ डिफरेंट पूरी है, इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी, एक आज टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी और मसाले वाली पूरी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरी बनाई हुई पूरी और सब्जी आपको कैसी लगी। ये देखिए, मेरा आटा लगभग लग चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करके और रख देंगे ढक के 2 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए, और हाथों से बाद में फिर से अच्छे से मसल के आटे को तैयार करना होता है। ये देखिए, हमारा पूरी का आटा लग के बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इस अब इसमें इसको ढक के रख दूंगी हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। सब्जी के लिए भी तैयारी कर ली है। ये लिए मैंने 3 उबले हुए आलू जिसको कट कर लिया है, जैसे भी आप अपने घर पे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। एक टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, एक लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च लिए जिसको बड़े पीसेस में कट किया है, अगर जो नहीं खाना चाहते वो निकाल भी सकते हैं इसको। और ये लिया ग्रेट किया हुआ अदरक और 10 से 12 करी लिप्स। रख दिए मैंने गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच इसमें मैं डालूंगी जीरा, और चौथाई चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी राई, और अब इसमें डालेंगे करी लिप्स। करी लिप्स थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये उछलते बहुत है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और एक लाल मिर्च जो डाली थी बीच में से, इस तरह से हम तोड़ के डाल देते हैं। ये देखिए लाल मिर्च, अब बस ये देखिए सभी चीज कुक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हमें काला नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे हम कटे हुए अपने टमाटर, और इनको लगातार 2 मिनट चलाएंगे। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, क्योंकि सूखी सब्जी में थोड़े से मसाले ज़्यादा पड़ते हैं। और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, हल्दी आपके स्वाद के अनुसार। इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच आपके स्वाद के अनुसार, जितना आप पसंद करते हो। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे आपका सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, और ये सब्जी तीखी भी नहीं बनती है बिल्कुल भी। और देखिए, इन सभी मसालों को थोड़ी देर हम पका लेंगे। आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। अगर कड़ी पत्ता का यूज़ किया है तो मैंने हींग नहीं डाली है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं होगा तो आप इसमें हींग का यूज़ कर लीजिएगा, उससे भी ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल 1 ही चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको 2 मिनट के लिए हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है, बस इसी स्टेज पे हम उबले हुए आलू मिला देंगे। ये देखिए, सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए,
इस तरह से। अब इसमें बाकी की सामान मैं ऐड करूंगी जिससे ये सब्जी और चटपटी बनने वाली है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काला नमक। अब आलू की सब्जी में काला नमक डाल के देखें, उससे आलू की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले नमक कम यूज किया था। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि हमें एकदम चटपटे आलू की सब्जी बनानी है पूरी के साथ, तो ये बहुत ही इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए सारे मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारे आलू की सब्जी देखिए कितनी टेम्पटिंग सी बनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी हरा धनिया और 2 मिनट इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आइए सब्जी को देखते हैं। ये देखिए सब्जी ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, बस हमारी सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब इसको हम रख देंगे साइड में और पूरी बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए आटा भी अच्छे से हो गया है। अब इसको थोड़े से हथेलियों की मदद से हम थोड़ा मसल लेंगे। मसल लेने से आटा बिल्कुल चिकना हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा। ये देखिए मैंने इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा आटे को और फिर से मसल लिया है। अब पूरी का साइज आपको जो भी बनाना है, छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप लोई ले सकते हैं। ये देखिए मैं तो छोटी छोटी पूरी बनाऊंगी, तो बस मैंने इतना ही पेड़ा लिया है। और इसको हल्का सा ऑयल लगा के हम बेल लेंगे, क्योंकि ऑयल लगा के बेलने से आराम से ये पूरी बेली जाती है। और इस तरह से बेलन की मदद से मैं छोटी छोटी पूरी बेल लूंगी। मसालेदार पूरी है ये। पूरी मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली कौशिक आंटी से सीखी थी। देखिए जिससे सीखते हैं बताने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं क्यों ना इन पूरियों को शेयर कर दूं। इसी तरह से मैं सारी पूरियां बेल लूंगी। ये हमारी सारी पूरियां बेल के तैयार हो गई है। इधर रख दिया है मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल भी देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बस इसी तरह हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, बस स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन पूरियों को फ्राई कर लेंगे। ये पूरी सब्जी आप कहीं बाहर जाते हैं सफर में तो भी बना के लेके जा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगी। कुछ डिफरेंट सी पूरी बनाई है, होप यू आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए इस तरह से मैं सारी पूरी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए हमारी सारी पूरियां तैयार है, आलू की सूखी सब्जी भी इसके लिए तैयार है। होप यू आलू पूरी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द ही हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।